लीडरशिप कॉन्क्लेव है दिल्ली द्वारका में, जिसके लिए मुझे बुलाया गया है। और लीडरशिप का मतलब जैसा हमारे यहाँ सोचा गया है कि लीडर जुड़ते ही नेता मान लिया जाता है, लेकिन लीडर का मतलब होता है अग्रज, लीडर का मतलब होता है आगे चलने वाला, लीडर का मतलब होता है वो व्यक्ति जो अपने टीम के किसी भी कमज़ोर हिस्से को मजबूत बनाए। तो मैंने ज़िंदगी में कुछ जगह एक लीडर की भूमिका निभाई, जिसके लिए मुझे आज ये लीडर कॉन्क्लेव ज्वाइन करने का मौका मिला। और आने वाले यूथ को मैं यही कहूँगा, अगर आपको एक अच्छा लीडर बनना है तो अच्छे सक्सेसर तैयार करिए, आप अच्छे लीडर बन जाए। सर आप पॉलिटिक्स में कैसे आए सर, इंटरेस्ट कैसे जगा सर? मेरी लाइफ 20-20 रही है। मैंने पहले 20 ईयर्स मैं देश का अच्छा नेशनल प्लेयर रहा, मैं सेकंड ऑन ब्लैक बोर्ड। अगला 20 मैंने मीडिया स्टार्ट किया, 21 ईयर जर्नी फ्रॉम स्पेस टू CEO एंड ग्रुप CEO। फिर मुझे ऐसा लगा तीसरा 20-20 शुरू किया जाए, क्योंकि दो 20-20 हो चुके थे, तो तीसरे 20-20 का पदार्पण किया है। और दूसरे 20 और तीसरे 20 में सिर्फ इतना अंतर रहा है कि पहले 20 में मैं लाखों रुपए लेता था बोलने के, और तीसरे 20 में मैं फ्री में बोलता हूँ जनता के। आम आदमी पार्टी की तरफ इंटरेस्ट कैसे जागा, मतलब आम आदमी पार्टी की आइडियो, पार्टियाँ बहुत हैं जी, पार्टी की आइडियोलॉजी अच्छी लगी, पार्टी का काम करने का तरीका अच्छा लगा, एक एक थॉट प्रोसेस है इनके पास, हर चीज़ सिस्टमैटिक है, कुछ भी ऐसा नहीं जो ओवरनाइट आप करके इसको कल से कमली जामा पहना सकते, एक सिस्टम फॉलो करके एक कॉर्पोरेट कल्चर में काम करने वाली पार्टी है, और मुझे लगता है इसका फ्यूचर बहुत बड़ा है। आने वाले चुनावों में हमें क्या इसके नतीजे देखने को मिलेंगे यूपी इलेक्शन? चूँकि चुनाव का मुद्दा नहीं है, फिर भी मैं ये कहूँगा कि दिल्ली में दो पार्टियाँ जब आमने सामने रहीं तो तीनों बार हमने जीता है, यूपी में भी हम आमने सामने हैं, तो मुझे नहीं लगता यूपी में हमसे ज़्यादा प्रबल टक्कर बीजेपी को भी सकती है। चुनौतियाँ कुछ मान रहे हैं सर? नहीं, चुनौतियाँ कुछ नहीं, हम तीन बार जीते हुए। अभी जिस तरीके से सर, अभी जो किसानों पर जिस तरीके से हमला हुआ, जिस तरीके से गाड़ी चढ़ाने वाला मतलब, उस पर आपका क्या व्यू है? देखिए मैं आपको बताऊं, ये घटना जो हुई है ये बहुत निंदनीय है, इसमें तो कोई बात मतलब कोई सेकंड थॉट ही नहीं है, और इसमें राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, मैं पहले दिन से ये कह रहा हूं। लेकिन हां, मुझे अफसोस ये हो रहा है कि सत्ताधारी दल के लोग बिल्कुल ये मानने को तैयार नहीं कि जो 11 महीने से 800 से ज़्यादा लोग अपनी जान दे चुके हैं लखीमपुर में, जिनके साथ ये घटना हुई है, वो किसान है। जब ये मानते ही नहीं ये किसान है, तो उनको न्याय क्या दिलाएंगे? इन्होंने एक चीज़ और कही कि ये लोग वो लोग हैं जो देश में गैर कानूनी तरीके से धरना कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, या देश की अलग विचारधारा को फॉलो करते हैं। मेरा सिर्फ इनसे इतना कहना है, यदि ये वो लोग हैं जो देश में गैर कानूनी तरीके से काम कर रहे हैं, तो इनको फिर आप अवार्ड क्यों दे रहे हैं? इनको पकड़ के अरेस्ट करिए। क्यों आपने इनको भत्ता दिया? क्यों आपने इनको नौकरी दी? यानी आपकी अपनी कार्यशैली में और कहीं ना कहीं जो सच्चाई है उसमें अंतर है, इसलिए आप उनको कहीं ना कहीं मुआवजा दे करके इस बात को ढकना चाहिए। युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं के लिए सिर्फ एक संदेश है दोस्त, कि देश को आगे बढ़ाना है, हम जाति धर्म की राजनीति से ऊपर उठ जाएं, क्योंकि आने वाला समय बहुत टफ होने वाला है, और जो विश्व का एक भी ऐसा देश नहीं है जो सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पे चला हो और आगे बढ़ गया है। तो मैं सिर्फ आपसे इतना कहूँगा, अपनी अकल लगाएं, दिखावे में ना जाएं, सिर्फ उसी को चुनें जो आपके बेहतर भविष्य को बनाए।